कराची का मौसम एकदम इंग्लिश हो गया, शहर को बादलों ने घेर लिया, वक्फे वक्फे से बरस रहे हैं। क्लिफ्टन डिफेंस और आईआई चंद्रीगढ़ रोड पर बरसात। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रात तक मानसून का पहला स्पेल खत्म हो जाएगा। कल और परसों शाम बूंदाबांदी हो सकती है। 13 जुलाई से मानसून का दूसरा स्पेल एंट्री देगा। दूसरे स्पेल में भी शदीद बारिशें होंगी। कराची में बारिश, कल ईद की नमाज कैसे अदा होगी? हर जहन में एक ही सवाल। जिला बस्ती के बेशतर ईदगाहों में बारिश का पानी जमा। न्यू कराची और दीगर इलाकों में पानी से सूरत हाल अबतर। 11D की ईदगाह और गलियों में गंदा पानी जमा। बारिश के बाद मवेशी मंडी में भी कीचड़ और गंदगी की भरमार। मुल्क भर में मानसून जोबन पर। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके जेरे आब, नाला लई की सतह बुलंद होने लगी। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। मरी और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश से मौसम सर्द हो गया। आज़ाद कश्मीर में भी जल थल एक हो गया। वादी नीलम और वादी जहलम समेत दीगर इलाकों में बारिश का सिलसिला कई रोज तक जारी रहने का इम्कान है। चक्करगढ़ में खौफनाक हादसा। करतारपुर के करीब तेज रफ्तार बस ने कार को रौंद डाला। 6 अफराद जाबहक और 10 जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 4 की हालत नाजुक। जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंज़ो आबे की आखिरी रसूमात मंगल को अदा की जाएंगी। मैयत घर पहुंचा दी गई। पार्टी रहनुमाओं का खिराज अकीदत। साबिक वज़ीर आज़म की आखिरी रसूमात पर स्याह लिबास पहनने का फैसला।